अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े होंगे, इन्जॉय करेंगे अपने अपनी लाइफ, इन्जॉय करेंगे हमारे व्लॉग्स। अभी बस इन्हें सारी की रात के बज रहे हैं, 3:00 कुछ मिनट, 15 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाइक चेक के साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी गाड़ी होटल से बाहर आ चुके हैं, होटल के बाहर आ गए, टैक्सी में बैठ गए, करेंगे टैक्सी, वो भी बार्गेनिंग के साथ पाकिस्तानी की जाना, वो आ गए टैक्सी घुमा कर लेकर आएगा यू टर्न, ये नहीं नहीं पीछे वाली पीछे वाली पीछे वाली टैक्सी में बैठे भाई, बैठे हैं परंगी सीट पर बैठे हुए, लाओ दिखाओ जल्दी आओ। ये क्या बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ, ये देखें माय व्यूअर्स, सुबह सुबह की रौनक की भी आपको मैं दिखाऊँ, फजर भी नहीं हुई है अभी, तो रौनक की आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ कितनी रौनक है। ये टैक्सी है भाई, शायद भाई बैठे हैं हमारे साथ, पाकिस्तान से ही ये भी शेखपुरा से हैं ये, और हम सिंध से हैं, पर कंट्री से हैं ना। सारी ये लोकल आबादी है और ये खड़ी चढ़ाई हैं बिल्कुल, बस भाई हमारी गाड़ी का यहीं तक था पावर, यहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू, इतनी खड़ी चढ़ाई के ऊपर गाड़ी पहुँचाई है। वो आप बारी बारी देखो, ये छोटी छोटी लाइटें चल रही है, अभी भी लोग जा चुके हैं, और ये है पूरा शहर नीचे का, देख रहे हैं अभी पूरा ये चढ़ाई है। ये भाई ने भाई थैंक यू हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम्माद भाई ने भी 2 कदम चले और हम्माद भाई बोल रहे हैं खड़ी चढ़ाई है, इतनी खड़ी चढ़ाई है भाई, या आराम आराम से चढ़ना है बिल्कुल सिलो सिलो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। हम्माद भाई ये जा रहे हैं, हम्माद भाई बेक में ना दिया था हमने ये वाला, इनको डोरी वाला नहीं, डोरी वाला कमी, हाँ, और आपने शूज़ पहन कर आने हैं कंफर्टेबल, मैं भी शूज़ पहन कर आया हूँ, हम्माद भाई भी, और बैग ऐसा लेना है सिर्फ में पानी की बोतलें रखनी है आपने, बस कंफर्टेबल हो बस, शोल्डर में दर्द ना हो, शोल्डर में दर्द ना हो, एक टॉर्च ना आपके साथ लात में, लात में होनी चाहिए, ये छोटी सी एक मस्जिद बनाई हुई है कि आप यहाँ नमाज़ पढ़ लें। अभी मेरी सांस बहुत फूल रही है, एक मस्जिद ये बनी हुई ये वाली, इसी का हिस्सा है, हाँ तो पुलिस बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, इसमें अगर आपका अच्छा होगा ना तो आप इजीली चढ़ सकते हैं, अल्लाह अकबर परेशान होने वाली बात नहीं है, ये स्टेप बने हुए छोटे छोटे से, तो आपने यहाँ बैठ बैठ के जाना है, ठीक है, ये हमसे ही पहले के लोग आए हुए हैं, वो ऊपर देख रहे हैं, देख रहे हैं आपको, माशाल्लाह बाजार ओपन है, देख रहे हैं अभी फजर की अजान हो गई, हाँ अभी अभी हुई है, ये सामने देख रहा हूँ ये चांद है, ये वो ग्रीन टावर, वो और वो सामने, और हम लोग पहुँच गए भी यहाँ, यहाँ फजर की नमाज़ हो रही है, माशाल्लाह भी फजर की नमाज़ हमने ऊपर ही पढ़ी, गा रही है के ऊपर,
ये भी चल रही है बकायदा, ये लेडीज़ की नमाज चल रही है भाई की, ये लाइन में लगे हुए हैं सारे, वो सामने आरम पा के वो दिख रहे हो आप, तो ये बैक साइड पे दुआ चल रही है, हमाज भाई ये बैठे हुए हमने पूरी नमाज वगैरह दुआ वगैरह कर ली है, उसके बाद फिर हम ब्लॉग वगैरह बनाते हैं ताकि इबादत में खलल ना हो। ये दुआ कर रहे हैं, यहाँ नमाज पढ़ेंगे दो नफिल शुक्राने के। अभी हम बैठे हैं वेटिंग में, ये भाई चल रही है जिसकी नमाज पढ़ने का, तो हमने पढ़ ली है, तो ये यहाँ शेर दिख रहा है और बाकी इधर लाइन लगी हुई है माशाल्लाह। भाई सारे अरब में दो नफिल अदा भी कर लिए और सजदे में झुक के सबके लिए दुआएं भी की है, सारे व्यूवर्स के लिए जितने मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट व्हाट्सअप। नीचे हमाद भाई नीचे पढ़ कर आए, मैं इससे ऊपर आया हूँ इस साइड से, सांस फूलिए। और ये देखना ग्रीन टावर वो सामने खड़ा हुआ है, मतलब बना हुआ है ग्रीन टावर। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी थोड़ी मॉर्निंग हो जाए फिर हम लोग नीचे उतरेंगे, यहाँ बैठ कर बहुत सारी दुआएं करते हैं अभी, और शायद मैं फेसबुक पे लाइव भी आ जाऊँ। मैंने आपको दिखाया था ये घर इधर से, ये हम थोड़ा ऊपर आए थे, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। अब ये जो है ना, ये पहाड़ जो बना हुआ है, मतलब ये ऊँट की कोहान जैसा है, मतलब मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये कोहान है, कोहान टाइप बना हुआ है, इसके ऊपर हम बैठे हुए भी थे अभी, दुआएं वगैरह की हमने यहाँ बैठकर। बैठना मत दोबारा, कैसे बैठे हुए थे हम लोग ना, किबला इस साइड है, ये किबला इस साइड ना, तो यहाँ बैठे हुए थे हम लोग अभी, दुआएं वगैरह की हमने बहुत ज़्यादा। मज़े ऊपर माशाल्लाह। तो भाई मैं निकल कर आया हूँ और भाई अंदर फंसेगा क्योंकि रास्ता एक आने के लिए और जाने के लिए, इसलिए जगह थोड़ा कंजेस्टेड थी, भाई का वेट कर रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, आएंगे आएंगे नंबर आएगा। ये आवे हमका देख रहे थे भाई, आवे जो घर ही रहेगा यहाँ से अंदर से ना, वो पत्थरों के अंदर से बिल्कुल छोटी सी जगहों से निकलते हैं, तो अगर जिससे मतलब जिसकी बॉडी हैवी मतलब मोटे मोटे आदमी होगी वो सीधा यहाँ से स्ट्रीट से उतरे और यहाँ से सीधा आए, और ये यहाँ से ऊपर चले जाएँ तो ऊपर से ही रास्ता है बिल्कुल हमारे एरे का रुक ही है, जब ज़्यादा वो नहीं होगी मतलब जो पत्थर है ना बिल्कुल ऐसे क्लोज वाले जो मतलब हेली पेट वाले होते हैं ना, हाँ उसे निकला नहीं जाता, तो ये तो वही रास्ता ये थी है, पर हमने हम गए तो उधर से ही थे, आए भी उधर से हैं, तो अब अभी हमें पता लगा है कि यहाँ से आने के बाद वापसी वहीं आ गए, अब वापसी एक हिट करेंगे। चलो चलो कोई लिखने का तो बताओ, लिखना नहीं चाहिए सारा, ये तो गलत है ना ये सारा, क्या समझा आप, ये लिखना नहीं चाहिए, ये गलत है, और ये सफाई का ना ख्याल रखें, ये देखना कचरा, ये वो कितना कचरा पिलाया, कितने गए तो मतलब जो शोपर हम जैसे बोतल लाए ना, बैग लाए थे हम, सब बोतल लाए थे, देखो हमारी दो बोतलें खाली हो गई, वापसी वापसी नीचे देखेंगे, नहीं देखना चाहिए ऐसी जगहों पर, देखें ये बोतलें कचरे, एहतियात करें काइंडली प्लीज़। ये अरे रहा वो ये बंदा जो नमाज़ पढ़ रहा है, मैं यहाँ भी नमाज़ पढ़ी है, और वो जो बाउल भाई पाँव रख के खड़ा है ना, ये वाइट कलर में, ये ऊँट की कुहान वाला जो मैं आपको बता रहा था ना, पत्थर ऐसा है। अच्छा जब आप आएंगे ना रास्ते से ये नीचे जाएंगे तो इस रास्ते से आएंगे, ठीक है,
तो ये जो है ना पत्थर के बीच में भी ना, यहाँ से तो आएंगे एक ही होगा, बीच में आकर ना दो हो जाएंगे, एक उधर से एक इधर से, यहाँ से निकल रहे हैं और ये लेडी निकल रही है ना यहाँ से, तो ये रास्ते दो हैं इधर से, वो यहाँ आकर मिलते हैं। और अगर से जो मोटे लोग हो ना जिनका फेट वगैरह ज़्यादा हो तो वो यहाँ से आएँ, ऊपर आएंगे वहाँ से, जैसे भाई ये चढ़ रहे हैं ना जैसे आए, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से वो यहाँ से उतरे ये अंदर चले जाते हैं। देख रहे हैं भाई, ये थोड़ा सा सीमेंट लगाया इन्होंने, दो स्टेप बना के, यहीं बंदा सो रहा होता है, ये चंदा मांग रहा है, इसकी वजह से ना पाकिस्तानियों का नाम ख़राब है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा मैंने कि आप कहाँ से, तकरीबन कोई 9 बंदे मुझे मिले थे, 9 में से 8 बंदों ने यही बताया मुझे कि पाकिस्तानी है और बाकी देखने का मैं कश्मीरी हूँ। मैं दिखाऊंगा घर से, ऐसे लगाऊंगा, एक ये बैठा हुआ, दो गए ठीक है, एक और मेरी उंगली के वहाँ, 3 ठीक है, और एक उस झोंपड़ी के वहाँ जो कुर्सी लगी हुई है ना बंदा, 4, और ऐसे ही वो एक बंदा ब्लैक सलवार का मैं खड़ा हुआ दिख रहा है आपको मेरी फिंगर के साइड डंडे लेकर, 5, बाकी वो नीचे भी होंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आप। इन लोगों की वजह से कंट्री का नाम ख़राब होता है, नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हरम पाक के अंदर जो वाशरूम बने हुए ना, वाशरूम के साइड भी मतलब जो होटल्स नहीं लेते लोग काफ़ी ना, वो यहाँ दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, वो दिखाऊंगा मैं, पर मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ कि लोग वहाँ लेटे हुए आराम से ना अपने, मतलब जो सामान लेके जाता है ना बंदा, वो सारा सामान लेके वहीं सो रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं। और एक कबूतर चौक आता है ग्रीन टावर के बैक साइड पर, तो वहाँ भी लोग ना ऐसे ही लेटे हुए रोड के ऊपर, और गवर्नमेंट उनको भगाती है, फिर वो आ जाते हैं, पुलिस वाले आगे पीछे सोने चले जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं, अब क्या करें। ये सीन है, ये लाइन से 3 बैठे हुए, ये बैठे हुए, एक ये और वो डंडे लेकर बैठे हुए 3, वो ये बोलते हैं कि हम सफाई वाले हैं, वो नीचे ये बैठे हुए ना डंडा लेकर, ये बैठे हुए 3 एक साथ, ये आते जाते वालों से चंदा मांग रहे हैं, मतलब वही अभी इनसे पूछा जाएगा कहाँ की, ये बताएंगे दिस कंट्री। और ऐसे ही वो आगे भी बैठे हुए हैं, कोई ज़्यादा है, मैंने 9 आपको रात में बताए थे और ये तो 9 से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। देख रहे हो ये बैठा हुआ मांग रहा है, ये भी देख रहे हो, एक ये खड़ा हुआ बंदा और एक वो खड़ा हुआ डंडा लेकर, वो भी मांगने वाला है, मेरी फिंगर के पास देख रहे हैं, वो रहा एक ये रहा एक ये, और आगे भी दिखाऊंगा आपको, एक वो खड़ा हुआ, एक ये खड़ा हुआ ठीक है, एक ये बैठा हुआ और एक मेरी फिंगर देख रहे हो, एक वो खड़ा हुआ और एक वो बैठा हुआ, वो ब्लू येलो केप वाले की लाइन के अंदर देखेंगे, अभी वाइट वाले उसके पीछे, एक ये बंदा ये चढ़ता हुआ आ रहा है, केप पहना हुआ ये आ रहा, अब ये वीडियो कॉल पे चलने के बाद आना जाना मुश्किल भी नहीं, देखा आप, एक ये खड़ा हुआ था एक साइड पे और एक ये रहा फ्रंट पे, सामने ही देख रहे हो आप, देखो एक वो रहा एक ये रहा, अब देखते हैं पाकिस्तान, सुन लिया भाई पाकिस्तान,
एक वो बैठा हुआ ऐसे ही, एक नीचे खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ। ठीक है पाकिस्तानी नो वेयर भाई, वो घबरा के बताएं कहाँ कहाँ है समझ रहे हो। और एक वो खड़ा हुआ सामने फ्रंट पे वो देख रहा हूँ, बाकी एक वो बैठा हुआ ब्लू वाला, एक उधर खड़ा हुआ है, एक वो बैठे हुए दो बंदे उधर मेरी दो फिंगर के पास। कारिंदा जा रहा है पीछे, वो बैग एक जा रहा है, 30-40 किलो वजन है। एक बंदा नया आया भाई शिफ्ट होने, समझ रहा नहीं लगी उनकी ड्यूटी, ये तो छुपे हुए ही थे बिल्कुल कहीं नज़र ही नहीं आए, ये बैठे हुए एक वो बैठा हुआ ऐसे ही ना पूरे रास्ते में बैठे हुए जगह जगह जगह। अब मैंने तो आपको 9 की बताया था, कोई 18-20 तो हो गए। हाँ अभी पूरे नीचे तक है, वहाँ तक जहाँ तक गाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ तक हर कोने के ऊपर ना एक एक दो दो बंदे बैठे हुए हैं। अब मैं सारे दिखा नहीं सकता क्योंकि फैमिलीज हैं लेडीज़ वगैरह हैं, तो थोड़ा मुझे अवॉइड करना पड़ता है चीज़ों से, मुझे ख्याल भी करना होता है कि व्लॉगिंग में ना आए वो, तो इस वजह से एक भाई तो ये शिफ्ट हो रहा है, इधर ही आ रहा है बैग वगैरह ले गया, इनकी अब मंडे से ड्यूटी लगेगी, खाना वाना लेकर आ रहा है, अब समझ लो तो इस चीज़ का ख्याल करना है। तो मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, बता दिया आपको, हम मिलेंगे अब नीचे बिल्कुल जाकर, वो बिल्कुल नीचे वो जो गाड़ी दिख रही है आपको, वो गली के अंदर गाड़ियाँ जो दिख रही हैं वहाँ जाना है हमने, वो बाहर निकलना है फिर वहाँ से वो रोड पे जाना है, वो रोड दिख रहा है वो वाला, वहाँ से टैक्सी मिलेगी हमें। भाई को बोला था एक बाजरी थैली लेकर आना, वो भाई ने ही मुझे बोला था रखनी है, वो मैं लाते में भूल गया, तो अभी बाजरा यहाँ से परचेस किया और ये डाले जा रहे हैं। सामने बने हुए ना लकड़ वक्कड़ जो भी है बंदर वगैरह, उसको दाना वाना डालना ऊपर होंगे, ठीक है वो भी होते हैं अपने कीड़े मकोड़े वगैरह सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, पहाड़ी पहाड़े तो सारी चीज़ें ही होती हैं। हम आ रहे हैं वो ऊपर टॉप से, वो ऊपर वाले नज़र आए आपको बंदे, वो ऊपर ग्रिल नज़र आएगी, वो ऊपर वाली कोने पर पूरी सामने ऊपर, वो मेरी फिंगर के वहाँ वहाँ से हम आ रहे हैं। में आज पाकिस्तानी के साथ ड्राइवर के साथ बैठे हैं, खैर मोहब्बत साहब हैं कोयटा से, ठीक है जी। ये शेयरिंग ने हमने टैक्सी करी है, यहाँ शेख साहब बैठे हैं आगे और ये अम्मा शेख बैठे हैं। हालत बहुत बुरी है अमन भाई की, हालत बहुत बुरी हुई है, जूता ख़राब पहन कर आ गया हूँ, जूता ख़राब पहन लिया उन्होंने। अब मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप उतार दो गाड़ी में बैठे हो, हाँ जूता उतार दो, मुश्किल नहीं है, हाँ मसला नहीं है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जो होटल कड़ी साइड थे सिंधी जानते हो, हाँ भाई सिंधी है पूछ रहे हैं आपकी होटल के साइड पर है, हम इनको उर्दू में जवाब देंगे कि क्लॉक टावर के बैक साइड वाला जो नहीं है कबूतर चौक, हाँ हम घर पहुँचे हैं, बाल वगैरह तो ख़राब हो रहे हैं क्योंकि अभी हम होंगे फ्रेश, दोबारा सुबह हो चुकी है, तकरीबन टाइम क्या हो रहा है अभी, 8 बजे टाइम दिखा दूँ आपको, 7:31 हो रहा है। तो अभी हमें पहनना है आराम,
इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर ही एंड, फिर वो कंटिन्यू करेंगे हमारे भाई तो आगे ऐसे लेट हैं। अल्लाह हाफिज। फुल खतरनाक वाले लेट गए ये। जूता खराब था यार तुम्हारा। इनकी डूब गया टांगों में दर्द। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, तो बताऊंगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक पे भी फॉलो करें, अम्मा शेख फाइक शेख। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ऑन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़। और एक बात में बताना भूल गया कि खाली इरा पे जब भी जाएँ ना, स्लीपर पहन कर नहीं जाइएगा, शूज़ पहन कर जाइएगा, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल वाले ना, बहुत ज़्यादा। और बैग आपने बिल्कुल एक अच्छा सा लेना है, जिसके शोल्डर ज़्यादा बड़े हों, ताकि उसमें आपने बोतल वगैरह जो खाने पीने की हो, बड़े नहीं मतलब चौड़ाई जो लंबे से हो। हाँ, चौड़ा मतलब शोल्डर टाइप, ऐसे ना, ऐसे हो, इतने लंबे लंबे न्यू करिए, जितने पतले होंगे ना उतने शोल्डर में दर्द होगा। हाँ, अब इसका ये है। और मैं सही बताऊँ आपको, जो मतलब आपको गाड़ी एरा पे जाना है और रश नहीं मिले, हर किसी की ख्वाहिश होती है, तो आप आराम से निफिल वगैरह पढ़ लें आपने, तो आप अपनी होटल से 2:30 बजे निकल जाएं, किसी भी हाल में, भले आपकी हरम के पास हो या हरम से दूर हो, आप टैक्सी करें, ठीक है। टैक्सी आपसे लेगी डिस्टेंस के हिसाब से ना, हमसे लिए उसने 20 रियाल जाने के और 20 रियाल आने के, क्योंकि हमारा है हरम से पास, बार्गेनिंग करनी पड़ती है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, जो अब कर रहे हो, उन्होंने बताए थे मुझे 35, ठीक है, 35 से हम 20 पे लेकर आए जाते में भी, और आते में उन्होंने कहा था 50 रियाल, तो उनको डिस्काउंट करवाया हमने। और एक बंदा जो शेख साहब आगे बैठा है ना, वो शेयरिंग मेरा तो समझ में नहीं आ रही थी भाई, तो उसका यही है कि उनको आगे बैठाया, उन्होंने आधे पैसे दे दिए, 20 रुपये हमने दे दिए, वो उतने थोड़ा दूर हमसे, बहुत दूर, पर हमारी गाड़ी पूरी घूम कर आई है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ उतारा उन्होंने। अब ये कहने का मकसद ये है कि आप आराम से जाएंगे, उस टाइम रश बहुत कम होता है, और टॉर्च लाजमी लेके जाइएगा, अगर मोबाइल की टॉर्च आपकी अच्छी है तो वो काम करेगी। और वैसे एक्स्ट्रा रख लीजिएगा आप, पानी की बोतल रखें और एक जूस का डब्बा रखें, ताकि शुगर अप डाउन लेवल आपका मेंटेन रहे, और स्टेप बाय स्टेप चलें। 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ गए, फिर सांस लें लंबा, फिर 15-20 चढ़ गए, सांस लें। अच्छा, एक बात बताऊँ, इसके अंदर ये होता है कि नाक से सांस लें और मुंह से निकाल दें। जब हम लोग कराटे खेलते थे ना, तो उसमें ये बताया जाता था, वो ये करते थे। योगा में भी, योगा के अंदर भी यही होता है, तो उसमें ये होता है कि पूरे लंग्स के अंदर जाते हैं और रिफ्रेश होकर बाहर आ जाती है ऑक्सीजन, तो आपकी दिल की और फेफड़ों की कोई भी वो नहीं होगी, ड्राइनेस वगैरह जो होती है ना चढ़ते में आपको, वो नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो जाती है चढ़ने के अंदर। मैं आपको सीरियस बताऊं, क्योंकि मुझे भी पता है अभी कितनी दर्द कर रही है, स्टिल मैं पूरी रात से जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। दूसरे दिन के हम लोग उठे हैं सुबह के, सुबह आई थिंक उठे थे हम जोर से पहले उठे थे, और फिर कंटिन्यूसली चल ही रहे हम, और अभी इतनी ख़तरनाक अम्मा भाई को नींद आ रही है, आँखें बंद हो रही है। अम्मा भाई, अम्मा भाई बोल रहे हैं अल्लाह हाफिज़ कर रहे हो, उन्होंने आते वक्त कभी नहीं बनाया कुछ। मेरी सबक का ख्याल रखिए जो मैंने आपको दिया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, क्योंकि अभी हम जाने वापसी हरम। अल्लाह हाफिज़।